नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रूरल 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दीजिए खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद। जमीन के लालच में आकर कलयुगी बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर की पिता की हत्या। पुलिस ने गिरफ्तार कर दोनों लोगों को भेजा जेल, तो वहीं दो लोग चल रहे हैं फरार। फिरोजाबाद से बड़ी खबर, पूरा मामला जनपद फिरोजाबाद के थाना बसई मोहम्मदपुर क्षेत्र का है, जहां पर कलयुगी बेटे ने जमीन के लालच में आकर अपने ही पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। जी हां, बताया जा रहा है कि आरोपी युवक नशे का सेवन करता है, जिसके चलते उसने अपने पिता से कई बार जमीन को लेकर विवाद किया कि वह जमीन उसके नाम कर दी जाए, लेकिन पिता ने अपनी जमीन बेटे को देने से साफ इनकार कर दिया, जिसको लेकर आरोपी बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया, अपने ही पिता की बेरहमी से हत्या कर डाली। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया था, तो वहीं आरोपी युवक पर पुलिस को शक हुआ। वहीं गैंता से छानबीन की गई, जिसमें युवक संदिग्ध पाया गया। पुलिस ने आरोपी युवक व उसके साथियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। देखिए, थाना बसई मोहम्मदपुर के गांव बड़वा में 9 तारीख की रात्रि में सूचना मिली कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल सीओ सदर और एसओ बसई मोहम्मदपुर मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने पर पता चला कि एक दीनदयालक नामक व्यक्ति हैं, उनकी डेड बॉडी आंगन में पड़ी हुई थी और उनके गर्दन पे खरोंच के निशान थे। उसके बाद हम लोगों को जो वहाँ के एविडेंस थे उसको देखने से लगा कि इनकी हत्या की गई है। हमारी फॉरेंसिक टीम भी वहाँ पहुँची हुई थी और उसके बाद हम लोगों ने उसमें वहाँ से पीएम के लिए बॉडी भिजवा दिया था और उसके बाद उसमें हम लोग खोजबीन शुरू कर दिए। बहुत सारे एंगल से उसमें जाँच की जा रही थी। वहाँ पे जो हम लोग को एविडेंस मिल रहे थे, उसमें जो मृतक का लड़का था दीपक उर्फ दीपू, उसकी जो गतिविधियाँ थी वो संदिग्ध दिख रही थी और उसकी बातों में काफ़ी डिफरेंसेस थे। हम लोगों ने उस एंगल से उसको देखना शुरू किया और उसके बाद उसमें हम लोगों ने जो देखा, उसमें कुछ देर के बाद जो मृतक जो थे उनकी बहू थी वो वहाँ नहीं थी उस समय। उसके बाद उन्होंने हम लोगों को आकर के बताया कि ये जो घटना है, ये घटना उसके पति यानी मृतक के बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर की है। उसने एफआईआर भी दी, हम लोगों ने अभी वो पंजीकृत किया है और उसके बाद इसके जो चार लोग उसमें नामजद हैं, उसमें से जो मुख्य रूप से मृतक का बेटा दीपक दीपू उसको और उसका दोस्त छविराम, इन दोनों को हम लोगों ने हिरासत में लेकर पूछताछ की। इन लोगों ने घटना को स्वीकारा है और बाकी जो अन्य दो हैं उनके लिए हमारी टीम लगी हुई है, उनको भी हम लोग बहुत जल्दी अरेस्ट करेंगे। इस घटना में जो आला कत्ल है, जो चीज़ें प्रयुक्त की गई थी उनको उनकी हत्या करने में, उसको हम लोगों ने बरामद कर लिया है और उसके बाद वहाँ बहुत सारे ऐसे एविडेंसेज हैं जो पूरी तरह से ये साबित करते हैं, बखूबी साबित करते हैं कि ये घटना उनके लड़के ने और वो अपने साथियों के साथ मिलकर की है। बाकी जो दो लोग हैं उनके खिलाफ बहुत जल्दी हम लोग एक्शन ले रहे हैं, अरेस्ट करेंगे और इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है, बहुत जल्दी इसका डिसीजन भी करेंगे। घटना का रीजन क्या है? घटना का जो रीजन है वो इसने बताया कि इनके पास मृतक के पास के नाम से 27 बीघा ज़मीन है और ये जो लड़का है ये 27 बीघा ज़मीन अपने नाम कराना चाह रहा था, जो वो तैयार नहीं थे। उनका ये कहना था कि ये ज़मीन मेरे जीते जी तुम कैसे ले सकते हो, लेकिन ये इसकी जो संगत थी इस लड़के की वो ठीक नहीं थी, अपने साथियों के साथ मिलके और शराब का सेवन करता था और ये चाह रहा था कि ज़मीन इसको मिल जाए और उसके बाद इसको अपना बेच करके और फिर अपना जो भी जिस तरह से मौज मस्ती करनी है करे, लेकिन इसके फादर को ये मंजूर नहीं था। इसके फादर फिजिकली डिसेबल्ड भी थे, इनकी आवाज़ वगैरह नहीं निकलती थी, तो ये उसका नजायज़ फ़ायदा भी उठाना चाह रहा था।